हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ हैं, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमिता नंदन पंत। तो आज हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी और पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी पढ़ाई लिखाई इंदौर और इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग महिला विद्यापीठ में वे प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही तथा इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। महादेवी वर्मा ने कविता के अलावा सशक्त गद्य भी लिखा था। उनकी गद्य रचनाएं भाषा और विचार की दृष्टि से अत्यंत परिपक्व मानी जाती हैं। श्रृंखला की कड़ियां के लेखों में उन्होंने स्त्री मुक्ति के प्रश्नों को जिस स्तर पर उठाया था वह आश्चर्यजनक है। मैनेजर पांडे ने इस पुस्तक को रेखांकित करते हुए लिखा है, सिमोन द बोवार की पुस्तक द सेकेंड सेक्स के प्रकाशन से पहले भी महादेवी की यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी और इसके लेख तो और भी इससे पहले प्रकाशित हो चुके थे। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने न केवल कविता के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, प्रगीत के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन रचनाएं लिखी, बल्कि गद्य के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में भी उन्होंने और संस्मरण इत्यादि के क्षेत्रों में, रेखा चित्र के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभिव्यक्ति दी है, बहुत ही बेहतरीन रचनाएं हमें दी है। और स्त्री के मुक्ति से संबंधित प्रश्नों को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से उठाया है और स्त्री विमर्श पर पर्याप्त काम किया है। तो सिमोन द बोवार नाम की एक फ्रांसीसी विचारक हैं, राइटर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है द सेकंड सेक्स और इसका प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता के नाम से इसका अनुवाद किया है। तो इससे पहले ही महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाएं लिखी थी, इसके प्रकाशन से पहले भी उन्होंने स्त्री विमर्श पर आधारित रचनाएं लिखी थी। महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका के विदुषी अंक का संपादन 1935 ईस्वी में किया था। यह अंक हिंदी में हुए स्त्री विमर्श की परंपरा में एक विशेष महत्व रखता है। चांद नाम की एक पत्रिका थी, उसका एक खास अंक निकला था विदुषी अंक, उसका संपादन उन्होंने 1935 में किया था और स्त्री विमर्श में इस अंक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अंक उस जमाने में आया जब इस तरह के विषय पर सोच विचार की प्रवृत्ति आम नहीं थी। महादेवी का वैचारिक गद्य लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण है। छायावाद और रहस्यवाद की कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा का स्थान अक्षुण है, इंटैक्ट है। उनके 5 काव्य संग्रहों की कविताओं में छायावादी रहस्यवादी प्रवृत्तियां तो हैं ही, उनमें स्त्री की पीड़ा और मुक्ति के प्रसंग भरे पड़े। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से न केवल छायावाद और रहस्यवाद का वर्णन किया, उसकी व्याख्या की, बल्कि उन्होंने स्त्री के मुक्ति के प्रश्न को भी उठाया। महादेवी वर्मा पर बौद्ध धर्म का बहुत ही गहरा प्रभाव था और करुणा और दुख जो बौद्ध धर्म के मूल मंत्र हैं वे उनके अधिकांश कविताओं में देखी जा सकती हैं और इन्हें आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा भी दी गई है। इनमें पीड़ा का विवरण भी व्यक्तित्व की दृढ़ता को व्यक्त करने के लिए किया गया है। इनमें प्रेम और प्रेमी का जिक्र भी मुक्ति के प्रतीक के रूप में किया गया है। महादेवी कोरी भावुकता की कविताएं नहीं लिखती हैं, उनकी कविताओं में वैचारिक दृढ़ता हमेशा बनी रही। यद्यपि उनके प्रेम में रहस्यवाद है, आध्यात्मिकता का पुट है, उसमें वेदना का भी गहरा भाव है, लेकिन इसमें एक तरह की दृढ़ता भी विद्यमान है। उनकी पीड़ा में भी एक दृढ़ता है और उन्होंने प्रेम की अभिव्यक्ति भी मुक्ति के प्रसंग में, मुक्ति के प्रतीक के रूप में किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं, उनके प्रमुख काव्य कृतियां हैं। नेट यूडीसी नेट के एग्जाम में इनको सीरियल ऑर्डर में जमाने के लिए आता है कि कौन सी रचना पहले लिखी गई है, उसका क्रम क्या होता है। तो उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार 1930 में प्रकाशित हुई थी, रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांध्य गीत 1936, दीप शिखा 1942, हिमालय 1963, सप्तपर्णा अनुदित कृति 1966, प्रथम आयाम 1982 और अग्निरेखा 1990। यह उनके कुछ प्रतिनिधि काव्य कृतियां हैं, इनको आप इनके वर्ष के आधार पर याद कर लीजिए। इनकी जो गद्य कृतियां हैं वे हैं अतीत के चलचित्र, यह एक रेखा चित्र है 1941 में प्रकाशित हुआ था, श्रृंखला की कड़ियां, नारी विषयक सामाजिक निबंध 1942 में प्रकाशित हुई थी, स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र 1943, पथ के साथी संस्मरण 1956 ईस्वी, क्षणदा ललित निबंध 1956, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध
आलोचनात्मक लेखों का संग्रह है जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। संकल्पिता यह भी आलोचनात्मक लेखों का संग्रह है, 1969 में प्रकाशित हुआ था। मेरा परिवार पशु पक्षियों के संस्मरण 1971 ईस्वी, चिंतन के क्षण 1986 ईस्वी। तो यह इनकी प्रमुख गद्य कृतियां हैं। इसके बाद देखते हैं इनके संकलन। इनकी कविताओं के भी कई संकलन प्रकाशित हुए थे। पहला यामा, यामा में निहार रश्मि निर्जा सांध्य गीत के गीतों का संग्रह है, 1936 में प्रकाशित हुआ था और इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। संधिनी कविता संग्रह 1964, स्मृति चित्र गद्य संग्रह 1966, महादेवी साहित्य भाग 1969, महादेवी साहित्य भाग 2 1970, महादेवी साहित्य भाग 3 1970, गीत पर्व कविता संग्रह 1970, स्मारिका 1971, परिक्रमा कविता संग्रह 1974, संभाषण कविता संग्रह 1975, मेरे प्रिय निबंध निबंध संग्रह है यह 1981 में प्रकाशित हुआ था, आत्मिका कविता संग्रह 1983, निरंबरा भी कविता संग्रह 1983 और दीप गीत कविता संग्रह 1983। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा की कुछ प्रतिनिधि रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी गई है और इनकी रचनाओं में बौद्ध धर्म का प्रभाव है, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थी और करुणा और वेदना के स्वर इनमें प्रमुख है और इनकी प्रतीक योजना भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आगे हम इनकी कुछ प्रतिनिधि कविताओं का भी अध्ययन करेंगे, उनकी प्रतिनिधि कविताओं की व्याख्या का भी अध्ययन करेंगे हम आगे। और इस लेक्चर का नोट्स आपको PDF के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।